तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा अनबॉक्सिंग का पहला वीडियो, पहला अनबॉक्सिंग मैंने हमारे चैनल पर आ रहा है। तो यार इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है, तो यार प्लीज़ माफ़ कीजिएगा भाई समझ के। अगर हम सबसे पहले यहाँ पर देखें तो बॉक्स के ऊपर हमें टाटा स्काई ब्रिंक प्लस का यहाँ पर जो लोगो है, ऑफिशियल लोगो यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एंड्रॉइड का स्पाई का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, 4K का सपोर्ट, साथ ही साथ वॉइस असिस्टेंट जो यहाँ पर माइक का सपोर्ट है, गूगल असिस्टेंट, उसका भी सपोर्ट हमें यहाँ पर टाटा स्काई ब्रिंक सेट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बॉक्स की राइट साइड पर देखें तो यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है टाटा स्काई ब्रिंक प्लस का जो लोगो है, और वही सब फीचर्स यहाँ पर जो एंड्रॉइड और यहाँ पर 4K और वॉइस कमांड का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पर बॉटम साइड में सब तरफ की सेम प्रोसेस है। बाकी बर गए देखेंगे तो यहाँ पर हमें जो बॉक्स का जो कंटेंट है उसका यहाँ पर सीरियल नंबर, जो वॉइस होता है सर्विस नंबर, वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी पीछे की तरफ देखें, नीचे की तरफ, तो यहाँ पर हमें बहुत सारे स्पेसिफिकेशन जो यहाँ पर टाटा स्काई ब्रिंक सेट बॉक्स की है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सील, सबसे पहले हम सील को यहाँ पर खोल देते हैं और उसके बाद आपको बॉक्स को अनबॉक्स करके यहाँ पर दिखा देते हैं। तो बॉक्स के ऊपर आप देखिए कुछ इस प्रकार का, जैसे ही बॉक्स को यहाँ पर खोलते हैं तो हमें यहाँ पर सारे कॉन्टेंट देखने को मिल जाएगा, जितने भी बॉक्स हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको सेट बॉक्स देखने को मिल जाएगा जो कि टाटा स्काई ब्रिंक सेट बॉक्स, इसे निकाल के आपको मैं दिखाता हूँ किस प्रकार है। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए कुछ काफ़ी अच्छा लाइट वेट यहाँ पर मुझे लग रहा है उठा के। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए काफ़ी अच्छा बॉक्स हो गया। यहाँ पर साथ में इसमें रिमोट भी देखने को मिल जाएगा जिसमें दो सेल्स भी आपको प्रोवाइड की गई है, तो इसकी भी बात करेंगे वीडियो आगे वीडियो में। और भी देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हमें मिलता है। तो यहाँ पर हमें एक अडेप्टर यहाँ पर मिल जाता है जो कि हमारे इस बॉक्स के साथ कनेक्ट होगा, तो हम इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें जो केबल अडेप्टर है वहाँ 12 वाट का यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसे साइड रखते हैं, उसके बाद मैं आपको और भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों अगर बॉक्स के नीचे हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर HDMI केबल यहाँ पर मिल जाती है जो कि हर बार की तरह मिलता है। तो यहाँ पर इसे हम साइड रख देते हैं और आपको दिखाते हैं एक एक करके सेट टॉप बॉक्स में कि किस प्रकार यहाँ पर मिलता है। सबसे पहले हम सेट टॉप बॉक्स आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार का सेट टॉप बॉक्स है। तो इसे रैपर को हम जल्दी से ओपन करके आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका लुक देखिए काफ़ी अच्छा है, लाइट वेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा लुक यहाँ पर देखने को मिल रहा है टाटा स्काई ब्रिंक। यहाँ पर इसका सबसे पहले लोगो यहाँ पर दिया गया है बॉक्स के ऊपर जो कि काफ़ी अच्छा सिल्वर कलर में आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर साफ सब दिख रही है, एंड्रॉइड 9 Pie का आपको सपोर्ट मिल रहा है, 4K यहाँ पर आपको सपोर्ट मिल रहा है। अगर दोस्तों हम यहाँ पर बॉक्स की राइट साइड की बात करें तो यहाँ पर हमें मेमोरी कार्ड अडेप्टर यहाँ पर देखने को मिल जाए जहाँ पर आप मेमोरी कार्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर हमें लग रही है। तो बाकी यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पर ऊपर की तरफ। और यहाँ पर राइट साइड की बात करें तो यहाँ पर हमें प्लेन दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। बैक साइड की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्लॉट्स आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर ओवरऑल की बात करें तो यहाँ पर ये बॉक्स काफ़ी हमें लाइट वेट देखने को लग रहा है। जैसा इसका लुक से उतना ये लाइट वेट नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर जब मैं उठा रहा हूँ तो ये काफ़ी लाइट वेट मुझे लग रहा है। लेते हैं यहाँ पर इसके साथ जो रिमोट दिया गया है उसके, तो इसके सबसे पहले हम रैपर को ओपन करके आपको बता देते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का रिमोट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर इसके रिमोट को अगर आप देखेंगे तो इसमें डबल रैपर आपको मिल रहा है, हम इसे भी हटा देते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार का यहाँ पर आपको रिमोट को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर सेल की बात करें, सेल आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया, जैसे कि हर बार टाटा स्काई के जितने भी सेटअप बॉक्स होता है उसमें रिमोट के साथ सेल्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पर रिमोट का जो लुक देखिए कुछ इस प्रकार यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जो कि ये भी काफ़ी लाइट वेट है, यहाँ पर काफ़ी अट्रैक्टिव है। यहाँ पर सेम देखिए तो यहाँ पर सेम टाटा स्काई का जैसे ओल्ड बॉक्स होता है उसी प्रकार का रिमोट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, सिर्फ थोड़े से यहाँ पर चेंजेस है। यहाँ पर गूगल असिस्टेंट का हमें सपोर्ट मिल रहा है जैसे कि मैंने को बॉक्स में ही बताया था, तो यहाँ पर आपको रिमोट में ही देखने को मिल जाएगा। और भी दोस्तों बात करें तो इसमें जितने भी बटन से फ्रेंड्स काफ़ी यहाँ पर स्मूथ आपको देखने को मिल रहा है, जैसा कि यहाँ पर काफ़ी प्रीमियम लुक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इसके जितने भी बटन है वो काफी स्मूथ, जितने भी आप प्रेस करेंगे उतना भी यहाँ पर आपको खराब होने का डर नहीं है, यहाँ पर काफी स्मूथ और आपको अच्छा यहाँ पर बटन्स देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अनबॉक्सिंग यहाँ पर सेट टॉप बॉक्स की हो चुकी है हमारी, मैंने आपको सारी चीज़ें अनबॉक्सिंग दिखा दिया है। अब बात रही यहाँ पर इंस्टॉलेशन की कि किस प्रकार टीवी में कनेक्ट होगा, फिर यहाँ पर किस क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, तो वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा क्योंकि इंस्टॉलेशन जो है वो मुझे नहीं आती है। मैं आपको जल्दी यहाँ पर इंस्टॉलेशन करके आपको बता दूंगा कि किस प्रकार यहाँ पर आपको देखने को। साथ ही मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि अगर आप ये बॉक्स को खरीदना चाहते हैं तो अभी मत खरीदिए, 1 या 2 महीने बाद ही यहाँ पर खरीदिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलेगा टाटा स्काई ब्रिंक सेट टॉप बॉक्स में। कुछ अपडेट्स यहाँ पर नए हो रहे हैं और साथ ही साथ कुछ फंक्शंस भी यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स वो कौन से फंक्शंस यहाँ पर हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, साथ ही इंस्टॉलेशन भी आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए, आपको अनबॉक्सिंग कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी वीडियो पसंद तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स।